बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। 20 सदस्यों वाली WII व WWF की तीन टीमें डॉल्फिन की गणना करने में जुटी। बुलंदशहर वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और WWF की 20 सदस्यों की तीन टीमें जलीय जंतु डॉल्फिन की गणना में जुटी है। इस क्रम में टीम आज बुलंदशहर के कर्णवास नरोरा गंगा पहुंची। यहां भी टीम द्वारा डॉल्फिन की गणना की गई। बुलंदशहर के डिबाई वन्य जीव विहार के अंतर्गत आने वाले कर्णवास से नरोरा तक का इलाका ग्रीन बेल्ट माना जाता है, जबकि इस बार बिल्कुल नए तरीके से डॉल्फिन की गणना की जा रही है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन सुसु, जो कि भारतीय एक्वेटिक एनिमल का दर्जा प्राप्त है, उसकी साइंटिफिक गणना उत्तर प्रदेश वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून और WWF की संयुक्त तीन टीमें नई पद्धति के आधार पर गणना कर रही है। इस वर्ष डायरेक्ट साइटिंग के अलावा तकनीकी यंत्रों का उपयोग कर डॉल्फिन की तरंगों की स्टडी करना और इको सोनार तकनीकों से सतह के आसपास भी डॉल्फिन की गणना की जा रही है। बुलंदशहर के डिबाई वन्य जीव विहार के अंतर्गत आने वाले कर्णवास की है, जहां 20 सदस्यों वाली वीवर WWF की तीन टीमें डॉल्फिन की गणना कर रही है। दिबाई वन रेंज अधिकारी केवी शर्मा की ओर से बताया कि टीम 16 दिवसीय दौरे पर है, जिनके द्वारा बिजनौर से कानपुर तक डॉल्फिन की गणना की जा रही है। इसी के तहत बुलंदशहर के कर्णवास व नरोरा में भी टीम द्वारा गणना की गई है।